आप पैसे इन्वॉल्व हो ठीक है आप चाहे उनको खाना लेके दे रहे हैं आप चाहे उनकी हेल्थ हेल्थ के लिए उनको कुछ मनी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि वो अपना कोई इलाज करवा लें या उनको कपड़े लेके दे रहे हैं या उनके लिए शेल्टर होम्स जो है वो डिवेलप हो रहे कि, किसी भी तरह के जो देखें हज़ारों किस्म के चैरिटी के काम हो रहे हैं जिसमें के पैसे इन्वॉल्व हो ठीक है जो पैसों के थ्रू जिसमें आ, मदद की जा रही है उसको फिलोथ्रॉपी कहा जाता है ठीक है ये चूंकि नाउन है और ये इस तरह से अपने पैसे के थ्रू मदद करना जो फिलोथ्रॉपी कहलाता है आपने ज्यादातर सुना होगा फिलमथ्रोपिस्ट वर्ड ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिलोथ्रॉपिस्ट कहते हैं उन लोगों को जो अपने पैसे डोनेट करते हैं दूसरों की मदद करने के लिए गरीबों की मदद करने के लिए इसमें आपको सेलिब्रिटीज भी नजर आएंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो उनके साथ आप लिखा हुआ और साथ में फिलंथ्रोपिस्ट भी लिखा हुआ क्यों लिखा हुआ मतलब तो सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट रहे हैं अब तो वो इस दुनिया में नहीं है उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ये फिलंथ्रोपी जो काम है इसके अंदर ही उन्होंने अपनी गुजारी ठीक है अब उनके अब्दुल सतारी का जो काम है उसको हम फिलंथ्रोपी कहेंगे कि वो क्या करते थे फिलोथ्रपी करते थे मतलब वो लोगों की मदद करते थे किसी भी तरीके से उनके, उनके तो एक प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा काम जो है ना वो मौजूद है ठीक है और अब्दुल सत्तार अब्दुलसतारी खुद क्या थे वो थे ठीक है इसी तरह से आप देखिएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस होती होती हैं 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 ना जो बनी होती है, जो डिफरेंट बनी डेडिकेट करती खुद को लोगों की मदद के लिए वो किसी किस्म की भी मदद हो सकती है जैसे यतीमों के लिए मदद कर रहे होते हैं जिनके की फैमिली मेम्बर्स नहीं होते वो बच्चे जो कि बिल्कुल अबेंडेंट बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी हेल्थ सेक्टर में काम करी है तो जिनका मकसद होता है कि लोगों की मदद करना रफाही काम जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना उसको ऐसी तरह से जो काम काम जो 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 कर रही होती हैं उनको कहा जाता है 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 ठीक इस आप इसको समझ लीजिए वो कहलाएगा इंसान रफाही काम कर रहा है लोगों की मदद कर रहा है उसको आप फिल्मिस्ट कहेंगे और जो ऑर्गेइजेशन जो है वो रफाही काम कर रही होती हैं उनको आप फिलमथ्रॉपिकर्गेनाइजेशन कहेंगे ठीक है आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया है लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई एनकरेज माई चिल्ड्रन टू डोनेट देर टॉइज टू फिलंथ्रॉपी ठीक है की मैं अपने बच्चों को इनक्रेज करती हूँ कि अपने जस्ट टॉइस लिखा है आप डिफरेंट चीजें बच्चों में इंकरेज करने के लिए फिलंथ्रॉपिक जो वर्क होता है उसमें वो अपने आप को जो है वो इन्वॉल्व करें तो आप बच्चों को टीच कर सकते हैं कि अपने टॉयज या अपने एक्स्ट्रा शूज या अपने एक्स्ट्रा जो आ, कपड़े हैं वो जो है वो डोनेट कर दिया करें ठीक है इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है टेन परसेंट ऑफ माई इनकम गोस टू फिलंथ्रॉपिक ऑर्गनाइजेशन ठीक है कोई फिलंथ्रॉपिक ऑर्गेइजेशन है मैं अपनी टेन परसेंट जो इनकम है मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को उस फिलंथ्रापिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो देता हूँ ठीक है अब थर्ड एग्जाम्पल अब्दुल अब्दुलसतार इधी वॉज अ वेल नॉन फिलम्थ्रॉपिस्ट इन पाकिस्तान के अब्दुलसतार इधी जो थे वो हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में एक वेल नॉन थ्रो फिलंथ्रॉपिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो फिलमथ्रापिक काम में जो है वो गुजारी है ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है आई होप कि ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था आपने कुछ अच्छा सीखा है डू लेट मीन इन कॉमेंट सेक्शन एन आई सी यू नेक्स्ट सीसन अला office.